हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज आपको दिखाते हैं कार्बी शूटिंग रेंज। अगर आप लोग थाईलैंड कार्बी आए हुए हैं और बहुत सारे आप लोगों ने बीचेस को एक्सप्लोर कर लिया है और थोड़ा सा जंगल सफारी कर ली, आप लोगों ने बीचेस देख लिए हैं, तो व्हाट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा और डिफरेंट अदर देन बीचेस एंड दिस जंगल सफारी। सो यहाँ पर शूटिंग रेंज में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग। आप यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की गन्स है यहाँ पे, उनसे आप शूटिंग ट्राई कर सकते हैं, राइफल से यहाँ पे, और जो स्कूटर्स होते हैं वो है यहाँ पे, तो वो सारा एक कंप्लीट पैकेज मिलता है यहाँ पे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ये ओनोंग बीच से ऑलमोस्ट 5 to 7 kilometers है, और वहाँ से आप अगर आपने स्कूटी है आपके पास स्कूटर है तो आप अपनी से स्कूटर से आ सकते हैं, या फिर आप टुक टुक बुक कर सकते हैं, या फिर एक टैक्सी लेके यहाँ पे। दिस इज कार्बी शूटिंग रेंज। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कार्बी शूटिंग रेंज जाने में मैंने आपको बता दिया कि कितनी किलोमीटर दूर है, और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर से किस तरह का दिखता है, किस तरह की इनकी शूटिंग रेंज है, किस किस तरह की राइफल्स है इनके पास, और कितने चार्जेस ये लोग लेते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो इसको लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, एंड अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कर लेना। आई थिंक मोटर बाइक्स का मैंने, ये मेरी स्कूटी है, मैंने गलत जगह पार्क कर दी। आई थिंक दिस हियर इज द पार्किंग। सो ये है कार्बी शूटिंग रेंज, और पास ही ये कोकोनट वाला जंगल बना हुआ है, बहुत बड़ा है ये, मैं उधर से चलते हुए आया हूँ, बहुत अमेजिंग। और शूटिंग रेंज में चल के पता करते हैं क्या ये लोग चार्जेस लेते हैं और ये कहाँ पर लेके जाते हैं इसको इनकी शूटिंग रेंज कराने के लिए, यहीं पे है या कहीं और है। कैशलेस पेमेंट्स हो जाता है आपका वीजा मास्टर कार्ड से। दिस इज़ रिसेप्शन, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। देखिए आप गन्स देख लीजिए एक बार, कौन कौन सी गन्स है, आपको अलग अलग तरह के बुलेट्स है, ये देखिए इन सब का अलग अलग चार्जेस है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में ये वाली बुलेट लगती है, रेंजर दिस वन रूगर मार्क, कुछ और लिखा हुआ है भाई वहाँ पे, AR-9 22 RLM-4 स्नाइपर, सारी राइफल्स है भाई यहाँ पे, सबको दिखा रखा है किस किस तरह की बुलेट्स लगती है इनके अंदर। और ये सामने आप देख लीजिए, ये सारी आपकी गन्स है यहाँ पर, ये सारी राइफल्स है यहाँ पे, और दिस इज टेंपल कार्बी, सिडो कार्बी कंपनी लिमिटेड, दिस इज द ऑफिस। और यहाँ पर इस तरह का भी कुछ आप अगर ये वाले स्कूटर्स रेंट पे लेना चाहते हैं और इनको आप लोगों को चलाना है तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये यहाँ पे कुछ गैरेज बना हुआ है इनका, जहाँ पे ये लोग अपनी रिपेयरिंग कर रहे हैं इनकी और फिर से इनको तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई है नहीं यार, किसी से बात करता हूँ, देखे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। ये देखो, अच्छा यहाँ पर चलाते हैं ये लोग, वाह, दिस इज अमेजिंग। ये देखिए आप, वाह, ऐसे चलाते हैं और ऐसे लेके आते हैं लोग, ये जो कोकोनट वाला जंगल है इसी में चलाते हैं लोग, वाह। सो ये देखिए, ये स्कूटर्स होते हैं यहाँ पे, अभी अभी चला के आए। सो गाइस, दिस इज स्कूटर, वाह, बूम 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 बूम, दिस इज अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। अभी पता करता हूँ कितने चार्जेस है फिर, वैसे तो मैं लेट आया हूँ आफ्टरनून, लेट्स सी कि ये लोग अभी अलाउ करते हैं या नहीं करते, क्या टाइमिंग है इनका। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, ये इनका शूटिंग वाला एरिया है, यहाँ से आप लोगों को निशाने लगाने होते हैं। देखिए आप, ये सामने वॉल बना रखी है उन्होंने मिट्टी की पक्की, कि बुलेट्स उसके बाहर ना जा पाए, और जो सामने टारगेट्स दे रखे हैं आपको ये वाले, वहाँ पे आपको निशाने लगाने होते हैं।
गाइस शूटिंग करने आ रहे हैं, तो ये कुछ रूल्स है जो आप लोगों को रीड करने होंगे। दीज आर द टारगेट्स, इस तरह से आपको टारगेट पे गोली मारनी होती है। अभी देखिए वो राइफल के साथ में, दिस इज द राइफल, और यहाँ पर लगाएंगे टारगेट इस तरह से। ये टारगेट सेट कर दिया आपने, ओके, दिस इज योर टारगेट। और अब देखिए आप किस तरह से शूटिंग होती है। ये टारगेट पीछे जा चुका है, ओके, इस तरह से टारगेट सेट करते हैं और आपको वहां पे गोली दागनी है बिल्कुल टारगेट के ऊपर। वाओ, 1 2 3 गो, वाओ वाओ, थर्ड गुड वन। तो गाइज ये देखिए एक एक कंप्लीट पैकेज है, ऑलमोस्ट 6000 थाई बाट का, जिसके अंदर आपको M4 CMMG 20 शॉट्स मिलेंगे इसके, और लॉन्ग राइफल के 30 शॉट्स मिलेंगे और 10 शॉट्स दूसरी राइफल के मिलेंगे। तीनों के देखिए पिक्चर दे रखी है। पैकेज इंक्लूडेड 60 शॉट्स फ्रॉम 3 गन, इन तीनों गन से आप 60 शॉट्स ले सकते हैं, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव यार। और ये देखिए आप, अगर आपको दीज स्कूटर्स, मोटर ट्रक क्या बोलते हैं आप इसको यार, तो इसके 30 मिनट्स के एडल्ट के चार्जेस है 1000 थाई बाट, चाइल्ड के 800 थाई बाट, और एडल्ट के इस वाले के ATV 15 मिनट्स के 600, 400, 1 आवर का 1500, 1300, प्रोग्राम CTV, अच्छा ये एलिफेंट वाला है, एलिफेंट सफारी वाला। एडल्ट्स ATV प्लस एलिफेंट 2000 एंड 1800, और दिस इज, सो ये यहाँ का प्रोग्राम है। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। ये वाले आप देखिए और प्राइजेस है, प्राइजेस 4000 20 शॉट्स के हैं, और 5000 40 शॉट्स के हैं, 50 शॉट्स 6400, ये सारे चार्जेस हैं। सो दोस्तों, कार्बी शूटिंग रेंज की कार्बी शूटिंग रेंज की मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं तो यहाँ पे शूटिंग्स नहीं ट्राई कर रहा यार, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव, क्योंकि मेरे को अभी 2 दिन बाद में निकलना है यहाँ से और ज़्यादा थाई बार्स मेरे पास बचे नहीं हैं, सो मैं ये ट्राई नहीं कर रहा। और मेरे पास स्कूटी जो मैंने ले रखी है उसको आज देने का टाइम और हो गया, और उसको टाइम अभी 1 घंटा मेरे पास बचा हुआ है, जिसमें मेरे को थोड़ा आगे भी जाना है, तो टाइम मेरा तो कहानी बन नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का बजट अलाउ करता है और आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप यहाँ पर आके शूटिंग रेंज ट्राई कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर ऑप्शन है वो आप सारे अवेल कर सकते हैं। सो ये वीडियो थी कार्बी शूटिंग रेंज से, आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।